हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज कोरोना को देखते हुए हम लोग अब जो अपनी क्लास चलेगी वो इस ऑनलाइन क्लास के थ्रू हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू स्टडी करेंगे। तो ये एडजेक्टिव टॉपिक हमारा चल रहा था। कौन सा टॉपिक चल रहा था बच्चों? एडजेक्टिव। आपने एडजेक्टिव के यूज पढ़े कि जब एडजेक्टिव पहले आता है, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और नाउन बाद में आता है। जैसे गुड बॉय, क्या बच्चों, जैसे लिखा है गुड बॉय, ओके। एडजेक्टिव पहले आ गया, नाउन बाद में आया, है ना। तो जब एडजेक्टिव पहले आता है, नाउन बाद में आता है, तो हम लोग उस यूज को क्या बोलते हैं बच्चों? एट्रीब्यूटिव यूज। क्या बोलते हैं बच्चों? यस, एट्रीब्यूटिव यूज। और अगर कभी ऐसा हो बच्चों कि नाउन पहले आ जाए, एडजेक्टिव बाद में आ जाए, तो उसको प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं। तो कल आपने ये यूज पढ़े कि जो प्लेस होता है एडजेक्टिव का वो कैसे चेंज होता है। जैसे उसका प्लेस चेंज होगा, वैसे उसका नेम भी चेंज हो जाता है। तो टू यूजेस होते हैं, या तो नाउन के पहले या तो नाउन के बाद। तो कल आप लोगों ने अपने जो काइंड्स पढ़े, आपने पढ़ा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव आपको पता हो गया होगा, प्रॉपर नाउन से बनता है। जैसे इंडिया से इंडियन, अमेरिका से अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन, इटली से इटालियन, है ना। तो ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन से जो बने वो प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके बच्चों, समझ आ गया। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट जो काइंड पढ़ा वो कौन सा काइंड था हमारा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो किसी पर्सन प्लेस की क्या बताए? क्वालिटी बताए बच्चों। तो हमने बताया भी था कल, जितने कलर्स होते हैं सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। फिर हमने पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो मात्रा बताते हैं, मात्रा सूचक जो विशेषण होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जैसे सम, फ्यू, होल, ऑल, ये सब क्या है? ये क्वांटिटी बताते हैं। और फिर लास्ट में हम लोगों ने एक हेडिंग मेंशन की थी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, क्या बच्चों मेंशन किया था? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आपको पता लग गया कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि नंबर और क्वांटिटी में फर्क क्या है। अगर हमने कहा बच्चों सम राइस, तो यहां पर जो सम है वो क्वांटिटी शो कर रहा है, नंबर नहीं शो कर रहा। ओके, और अगर हमने कहा 5 pens, तो यहां पर 5 क्या शो करता है बच्चों? ये 5 हमारा नंबर शो करता है। तो क्वांटिटी और नंबर में ये डिफरेंस होता है, छोटा सा अंतर होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर तक हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक नई हेडिंग मेंशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे बच्चों? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसके बाद हम आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने यूट्यूब चैनल पर एक्सरसाइज दिया करेंगे। वो एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है। तो कौन सी हेडिंग थी बच्चों हमारी? एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो हेडिंग मेंशन कर लीजिए, और परहैप्स ये 5 नंबर हेडिंग होगी हमारी, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझना है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता क्या है। आपने इसके पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा बच्चों? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आपने देखा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कितने वर्ड्स होते हैं? ये 4 वर्ड्स होते हैं, दिस, दैट, दीस एंड दोज। ओके बच्चों, दिस, दैट, दीस एंड दोज, दीज आर 4 वर्ड्स। हम लोग इनको पढ़ चुके हैं कहां? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। ओके बच्चों, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम इनको पढ़ चुके हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ये दोनों सिंगुलर के लिए और ये दोनों प्लूरल के लिए, इनका यूज क्या होता है? ये किसी पर्सन, प्लेस या थिंग की ओर डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब इशारा करते हैं, इंडिकेशन करते हैं। ओके, तो यहां पर हमने इन चारों को कहां पढ़ा हमने पहले? हमने इनको पहले पढ़ा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, लेकिन वहां पर हमने देखा कि इनके तुरंत बाद किसी ना किसी वर्ब का यूज होता था बच्चों। इनके तुरंत बाद कोई ना कोई वर्ब आती थी। जब इन सभी के बाद कोई ना कोई वर्ब आ जाए तो वो तो हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर इनके बाद कोई नाउन आ जाए फिर वर्ब आए तो ये हो जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए कैसे, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, दिस बुक इज माइन। तो बच्चों यहां क्या देखा, यहां पर है ये दिस और इज है, यहां बीच में क्या बच्चों? नाउन है। क्या है बच्चों? नाउन है, यस। तो अगर हम दिस के बाद डायरेक्ट वर्ब का यूज ना करें और क्या यूज कर दें बच्चों? नाउन का यूज कर दें, तो फिर ये क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड, ये जो दिस होगा यहां पर, ये होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और अगर होता कि दिस इज माई बुक,
यानी कि दिस के बाद डायरेक्ट हम इस वर्ब का यूज करते तो ये हो जाता डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके बच्चों समझ आ गया, वेरी गुड। तो क्या हो गया, दिस बुक इज माइन मींस कि इन सभी के बाद क्या आना चाहिए, कोई ना कोई नाउन आना चाहिए। वन मोर कंडीशन, दिस और दैट के बाद सिंगुलर नाउन आना चाहिए, दोज और दीज के बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए। ओके बच्चों, तो देखिए एक तो हमने आपको एग्जांपल कर दिया, अब बचे कितने, ये थ्री एग्जांपल्स हैं, दैट दीज और दोज का। ये आपको खुद करना है अपनी फेयर कॉपी में, कैसे करना है ऐसे ही, यहां कोई नाउन आपको यूज करना है, यहां मेन वर्ब यूज करना है और आगे आप एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा दिस बुक इज माइन, तो हम ये भी कह सकते थे दिस बुक इज कॉस्टली, दिस बुक इज न्यू, ओके, दिस बुक इज नॉट यूजफुल। हालांकि ऐसा होता नहीं कि बुक कोई यूजफुल ना हो, सभी यूजफुल होती हैं, बट फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट दिस। ओके नाउ दीज और दोज में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, जब हम दीज और दोज के बाद यहाँ पर प्लूरल नाउन यूज करेंगे तो बच्चों जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही होगी। जैसे यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर, यहाँ पर दीज के बाद आप प्लूरल तो प्लूरल। तो आपको ये थ्री एग्जाम्पल्स खुद करने हैं, सेल्फ करने हैं, समझ आ जाएगा। दीज आर कॉल्ड डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव्स, ये ऐसे एडजेक्टिव्स तो ये क्या करते हैं, किसी नाउन की ओर ये डिमोंस्ट्रेट करते हैं, इशारा करते हैं, इसलिए हम इनको डिमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। गेट इट, यस और नॉट, यस, वेरी गुड। तो कंप्लीट हो गया ये हमारा फाइव नंबर डिमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नंबरिंग आप बच्चों देख लीजिएगा, मिस हो सकता है एक दो आगे पीछे, तो ये कंप्लीट हो गया, समझ आ गया बच्चों, वेरी गुड। और अब हम लोग पढ़ेंगे अपना सिक्स नंबर, तो चलिए आप लोग थ्री एग्जाम्पल्स कीजिए, तब तक हम सिक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, यस, वेलकम अगेन। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्या बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, आपको ये वर्ड्स देख के पता लग रहा होगा कि आप इनका यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी पढ़ चुके हैं, यूज कर चुके हैं इनका, लेकिन फिर यहाँ पर डिफरेंस क्या है, वहां आप देखते थे कि इनके बाद ऑफ आता था फिर नाउन आता था, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इनके तुरंत बाद क्या आएगा बच्चों, इनके तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, क्या आएगा बच्चों, कोई ना कोई नाउन आएगा। अब जैसे ये है तो ईच गर्ल कैन सिंग वेल, आपको समझ में आया, अगर हम लोग वहां बात करते कहां डिमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन में, तो वहां पर ऐसे नहीं होता, वहां पर क्या होता, ईच ऑफ द गर्ल, यानी कि लड़कियों में से प्रत्येक, लेकिन यहां ईच गर्ल प्रत्येक लड़की डायरेक्ट आ गया, मींस क्या है, इन सभी के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। ओके क्या आएगा बच्चों, कोई ना कोई नाउन आएगा, फिर आपको कोई टेंस बना देना है, समझ आ गया। अब देखिए हम लोग आगे, तो ये फर्स्ट हमने कर दिया आपको, बाकी एग्जांपल आपको खुद करने हैं। तो बच्चे छोटा सा वीडियो, तो शॉर्ट वीडियो था आज, ट्रायल भी है अपना, तो चलिए आप लोग इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये भी प्रोनाउन से मिलता जुलता है। तो आज का वीडियो इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ, ओके।